हेलो गाइस, आपने हमारा लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने इन बच्चों से प्रॉमिस किया था। जब हम लास्ट टाइम इन बच्चों को बैच क्लो देने के लिए गए थे, तो इन बच्चों ने सभी ने हलवा पूरी के लिए हमको डिमांड की थी। तो हमने इन बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम दुबई जाने से पहले पहले आपको हलवा पूरी जरूर खिलाएंगे। सो हमने रामनवमी वाले दिन इन बच्चों के लिए हलवा पूरी लेकर गए। सो घर आकर मैंने मम्मी को बताया था कि इन बच्चों ने हलवा पूरी बोला, तो मम्मी ने बोला रामनवमी वाले दिन हम जरूर हलवा पूरी करेंगे। तो हम रामनवमी वाले दिन सुबह सुबह सबसे पहले मम्मी ने आटा वगैरह छानने का जो भी प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया। तो फिर मम्मी ने बोला आटा गूंदने का काम तेरा खुद का होगा और बाकी भाभी लोग दूसरी साइड पे आग वगैरह चूल्हा जलाने की ये उन्होंने चूल्हा जलाने का प्रोसेस स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर हलवा भी बनाना था। तो आटा गूंदने का काम मम्मी ने मेरे जिम्मे लगा दिया। तो मैंने अच्छे से गूंद गूंद के आटे को गूंदा, ताकि आटा थोड़ा अच्छा नरम हो जाए, ताकि पूरी अच्छी सी सॉफ्ट बने। साथ में मेरी वाइफ ही हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वाइफ थोड़ा बैठ नहीं सकते, अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन से। तो साथ में वाइफ ही, पर फिर भी वो हेल्प कर रहे थे हमारे साथ। तो मैंने एक साइड में आटा गूंदे, दूसरी साइड में चूल्हा वगैरह भी जल के रेडी हो गया था। तो फाइनली हमारा आटा रेडी हो गया। फिर हमने साथ में अपनी ताई को बोला कि ताई जी थोड़ी हेल्प करो। तो ताई भी आ गई, मम्मी आ गई, साथ में समर भी लगा हुआ था। तो हमने साथ में पूरी बेलने का काम स्टार्ट किया, और उधर साथ में भाभी जी ने हलवा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमने बोला था कि बच्चों को 3 बजे तक हम आ जाएंगे, तो बच्चे वहाँ वेट करते हैं हमारा। तो हमने फिर गांव में अपने ताई को, ताई की बहू भी आ गई, साथ में हलवा बनता गया, साथ में पूरियाँ बेलने का काम स्टार्ट हुआ। हलवे के टाइम मैंने भी भाभी जी की हेल्प की। तो हमारा हलवा बनते गए, देखो कितना अच्छा आग जली हुई है। तो हम क्या बेसिकली हमने नॉर्मली किया, जब कुछ अच्छा बड़ा खाना बनाना होता है, जैसे 40-50 लोगों का या 60-70 लोगों का, तो हम चूल्हा यूज़ करते हैं, उसके लिए हम गैस नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि तो गैस के लिए या तो फिर अच्छी बड़ी भट्टी हो। तो फाइनली हमारा हलवा यहाँ पर रेडी हो गया था। तो फिर हलवे को हमने अच्छा, जो हमारी एक अच्छा बड़ा बर्तन था, मैंने सारे हलवे को वहाँ पर रोटेट कर लिया। साथ में मैंने चने को डाल दिया कुकर में बॉयल होने के लिए, ताकि हम बच्चों को हलवा पूरी के साथ थोड़े से चने भी लेकर जाएंगे। साथ में मुझे भी लगना था, क्योंकि तभी काम ख़त्म होना था, अदरवाइज़ काम नहीं ख़त्म होता। जैसे हलवा हमारा ख़त्म हुआ, भाभी जी लग पड़े पूरियां तलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हेल्प कर रहे थे, हमारे ताए चाचा के बेटे समर ने बहुत हेल्प की हमारी, समर ने पूरियां बेली, और ये क्रिश बेचार बहुत हेल्प करता हमारी, क्रिश तो साथ भी जाता सर्व करने के लिए, बोलता चाचा मुझे भी साथ में जाना है। फाइनली हमारे यहाँ पर गर्म गर्म पूरियाँ बनती गई, और मैं भी साथ में पूरियाँ बनाता गया। भाभी जी पूरियाँ तलते गए, मम्मी जी, ताई जी पूरियों को बेल रहे थे। गाइस हमारी अच्छी कोई 400-500-600 पूरी बन गई थी। तो हम लोगों ने फिर साथ में चने भी उबल गए थे, चनों को हल्का सा तड़का लगाना था, एक क्रेट पे मैं लग पड़ा पूरियाँ पैक करने के लिए। साथ में हलवा तो ऑलरेडी हमारा पैक हो चुका था, पूरियों को हमने न्यूज़पेपर डाला नीचे ऊपर अच्छे से, उसके ऊपर एक टावल रखा ताकि पूरियाँ सॉफ्ट रहें, चारों तरफ से रैप करके। मम्मी ने बोला एक ऊपर से भी टावल लगाओ ताकि ये सॉफ्ट रहे, तो ऊपर से भी एक हमने एक और टावल लगा लिया। फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पर कि बच्चे हमारा बेसब्री से वेट कर रहे थे। हमने सभी बच्चों को प्लेट्स बांटी, कुछ बच्चे अपने घर से बर्तन लेकर आ गए थे, थाली और वगैरह दूसरे बर्तन लेकर आ गए थे, थाली कटोरी बड़े बर्तन। तो हमने बच्चों को बांटने स्टार्ट किया। सो गाइज अभी आगे की जो वॉइस है वो आप खुद बच्चों के सुनना, कि बच्चे कैसे कैसे इतने अच्छे प्यारे से बच्चे आते हैं। ये अभी इन बच्चों की डिमांड है कि हमको खीर चाहिए, तो अभी हम देखते हैं एक दो दिन में बच्चों को, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि वापस जाने का टाइम हो गया दुबई, और अपने बच्चों की खीर की डिमांड है। तो हमने संडे का प्रॉमिस किया, तो देखते हैं संडे तक बच्चों के लिए खीर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। पहले आप इधर खाने स्टार्ट कर दो, हैं घर को बाद में दे देंगे, ठीक है? पहले खाने स्टार्ट कर दो, खाना घर के लिए बहुत है, ठीक है? एक लाइन से आएंगे, ठीक है? जी
बैठल तोरी आंटी एक 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 मिनट खाली ना इनको इनको नहीं से पहले जो ये जो अंकल को फ्री कर देते पहले अंकल को भेज देते हैं चलो अंकल आते हैं अंकल 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 चले ना बस अभी चलो इसमें क्या लिया था चाना इसमें नहीं दिए थे अरे यार लो बस हो गया लो बच्चा आप जाओ बस हो गया आराम से करो अंकल पूरी जान अंकल पूरी मेरे को ली नहीं मैं तो अभी आई हूँ डाल दो अब ऐसे नहीं करते बच्चे ऐसे नहीं करते बस हो गया अंकल तो हलवा डाल दो थोड़ा मुझे हलवा दे दो बस बस हो गया बस सही ने प्लेट आना है बच्चों हो गया ओये ना बार बार खड़ी करे खड़ी दिन देर ना कुछ दिन क्या लगेगा ऐसे बच्चे आप लोग तो नीचे करा देंगे कल लुकी डाल दो कल लुकी डाल दो
तो ले तो ली है, कितनी बार लेगा? बच्चे ये रुको ये बात है।